सो हाय गाइस, पार्थ गोयल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टेलीस्कोप की जरूरत क्या पड़ती है। तो देखो, जैसे आप डॉक्टर बन जाते हो तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट को ठीक करना रहता है, और पेशेंट को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी उनके अंदर झांकने के लिए। तो चलो, फिर भी पढ़ना तो है ही अपने को, तो शुरू करते हैं। तो देखो, टेलीस्कोप में सिंपल से समझते हैं कि कैसे बना, क्या होना है इसका। तो क्या होता है, जैसे मून देखना हमें, तो मून बहुत दूर होता है, वो बड़ा भले ही है पर वो दूर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो एंगल कम सब्सटेंड कर रहा है हमारी आंखों पर, जिस वजह से हम उसकी डिटेलिंग नहीं देख पा रहे हैं, उसका डिटेल वर्जन नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे कि हम उसको बड़ा करके देख पाएँ, मतलब कि उसका एंगल सब्सटेंडेड और आई बढ़ जाए। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए क्या होता है, वो दूर है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये बड़ा लेते हैं इन कंपेरिजन ऑफ आई पीस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज आ जाएँ जिससे कि और एक अच्छा ब्राइट वर्जन बन जाए उसका, नहीं तो कम रेज आएंगी तो वो नहीं दिख पाएगा साफ। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, वो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मून ही ले लिया अपन ने, तो मून क्या करेगा, रेज छोड़ेगा बहुत सारी, ठीक है, पैरेलल रेज छोड़ेगा, ऐसे पैरेलल रेज आ रही होंगी, ठीक है। मैंने एक रे बनाई अभी, ये मान लो कि इस लाइन पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर थीटा आई फोकस कर रही है, तो थीटा आई सॉरी लेंस वो सब्सटेंड कर रही है। तो अब क्या होगा कि जब ये लेंस पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये वाली रे तो इसके सेंटर से जा रही है, तो इस ऐसी निकल जाएगी, और हमें ये पता है कि ये सारी रेस क्या होती हैं, सेंटर वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस के कुछ मतलब फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती हैं ये। तो मान लो ये फोकस है इसका, तो ये कहीं यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगी और मून की जो इमेज है वो ऐसी बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, मून की इमेज ऐसी बन जाएगी, पैरेलल रेज आ रही हैं, इंक्लाइंड है, तो फोकस पे सारी कन्वर्ज नहीं होंगी। अगर सीधी आ रही होती, ऐसी आ रही होती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस पे पॉइंट पे कन्वर्ज होती, लेकिन अगर इंक्लाइंड आ रही हैं तो ऐसे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। अब ये हमारा बन गया मून का रियल इमेज बन गई। अब हम एक और लेंस यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि वर्चुअल इमेज हम देख सकते हैं। दूसरी बात, ये एक लेंस अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एंगल बढ़ाना होता है, हमें अपनी आंख पर एंगल बढ़ाना होता है। ये अभी भी उतना ही एंगल सब्सटेंड कर रहा है, मतलब इधर से हम देखेंगे तो उतना एंगल सब्सटेंड होगा, तो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। इस इमेज को अब क्या होगा कि इसके थ्रू टकराएगी इसकी रेस, बहुत सारी रेज होंगी। मैंने दो रेज बनाई है, दो रेज कौन कौन सी, मैंने एक तो सेंटर से पास हो रही है, एक इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि इसके फोकस के तरफ कुछ जाएगी। अब मैंने इनको वापस पीछे ट्रेस किया तो मुझे पता है ऐसा वर्चुअल इमेज इसकी बन जाएगी। हो गई बात। अब जो है ये जो एंगल होगा, हमारी आंख जो है उस पर ये जो इमेज है ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगी, थीटा एफ, थीटा फाइनल, ठीक है। अब जो मैग्नीफिकेशन होता है ना, वो होता है थीटा फाइनल अपन थीटा इनिशियल। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये क्या है, मैं तो ये पहले बार सुन रहा हूँ। तो अगर तुमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मेरी वीडियो देखी है तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे ऊपर जो एंगल है वो ज़्यादा सब्सटेंड कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे ये उंगली है मेरी, ठीक है, जैसे मून के बगल में अपन ने उंगली रखी, ठीक है, तो हमें तब भी उंगली बड़ी दिखती है, मून छोटा दिखता है, लेकिन उंगली ऐसे एक्चुअली में तो बहुत छोटी है मून के कंपैरिजन में। तो क्या हो रहा है कि उंगली बड़ी छोटी हो मून के कंपैरिजन में, लेकिन उंगली क्या है, पास है हमारी आईज से, तो जो एंगल सब्सटेंड कर रही है उंगली वो ज़्यादा एंगल सब्सटेंड कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ मून, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो थीटा मैटर करता है। अब थीटा फाइनल बाय थीटा इनिशियल मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि थीटा बढ़ जाता है, ठीक है। अब थीटा फाइनल क्या है, अब समझना बात को, ये भी क्या कह सकता हूँ थीटा फाइनल के बराबर है, ये भी क्या कह सकता हूँ मैं थीटा इनिशियल के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैंने थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 थीटा माना है, तो अब मैं लिखूँगा मैग्नीफिकेशन, इसी फॉर्मले को लिख रहा हूँ थीटा फाइनल को, तो थीटा फाइनल का इस ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 थीटा फाइनल, तो 10 थीटा फाइनल इक्वल टू क्या होगा, एच बाय यू डिवाइडेड बाय, इसमें लूँगा तो एच बाय क्या होगा, एफ नॉट।
तो मेरा मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ नॉट बाई यू। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। अब देखो दो केसेस बनते हैं। ये जो इमेज है, या तो ये इमेज इन्फाइनाइट पे बने या ये इमेज 25 पे बने। देखो इमेज तो कहीं पे भी बन सकती है, मतलब हमारी जो आई है उसकी रेंज क्या है, इन्फाइनाइट से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। तो हम क्या करते हैं, हम दो फॉर्मूले निकालते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन के और एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के। अब क्या होगा, जो इन्फाइनाइट पे होगा वो होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन, और जो 25 पे होगा वो होगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब तुम पूछोगे भैया क्यों, तो सोचो ये जो इमेज है इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये थीटा फाइनल क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसकी जब थीटा फाइनल की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज़ इन्फाइनाइट पे होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज़ लेंथ से सबसे ज़्यादा पास होगी, और सबसे ज़्यादा पास मतलब 25 से पास तो होगा नहीं, क्योंकि फिर हमारी आँख कोई नहीं देखेगा। तो ये हो गया। अब अपन निकालते हैं फॉर्मूला दोनों केसेस के लिए। तो हमें क्या करना है, बस यू रखना है, ठीक है। तो हमें वी पता है, वी एक बार तो पता है, वी क्या है, ये चीज़ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो वी एक बार इन्फाइनाइट होगा, एक बार 25 होगा, रखते हैं भाई। तो 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। अब v एक बार तो मैंने इन्फाइनाइट ले लिया, माइनस इन्फाइनाइट, तो ये जीरो ही हो जाएगा, 1/u = 1/fe, तो ये हो जाएगा हमारा u आ गया माइनस एफ ई। केस वन, केस वन, v इक्वल टू इन्फाइनाइट, मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका एफ ओ अपॉन एफ ई, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, एफ ओ अपॉन यू, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, एफ ओ अपॉन एफ ई। अब आते हैं केस टू पर, ठीक है। केस टू, जब v जो है हमारा क्या है, 25, क्या लेंगे, माइनस से 25 लेंगे, समझ में आ रही बात, माइनस से 25 लेंगे, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। 1/-25 - 1/u = 1/fe, इधर से 1/u अगर हम निकालें तो 1/u आ जाएगा हमारा, 1/u = 1, ये आ गया हमारा, खुशी खुशी आ गया, मज़ा आ गया। तो m इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओ अपॉन यू होता है एफ ओ, ठीक है। 1/u हमें क्या पता है, 1/d + 1/fe, ठीक है भाई। तो एफ ओ, अब समझना, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी, या कई जगह ऐसे लिखते हैं एफ ओ अपॉन एफ ई, तो हो गया एफ ओ अपॉन एफ ई 1+fe/d। अब तो इसमें देखो ध्यान से, तो ये चीज़ क्या है, एक पॉजिटिव टर्म होगी। जैसे ये समझो कि हम, मैंने क्या बोला था तुमसे कि v अगर 25 होगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, मतलब कि v इन्फाइनाइट से तो ज़्यादा ही होगा। और ये हमें दिख भी रहा है फॉर्मूले के थ्रू कि यहाँ पे 1 प्लस कुछ टर्म है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में कुछ एक 1 से बड़ी टर्म है, तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है वो उस क्वांटिटी से बड़ी होगी एफ ओ अपन एफ ई से, जो कि हमने v इन्फाइनाइट पे निकाली थी। तो तुम्हें जैसे मान लो तुम कन्फ्यूज़न हो रहा है कि v इन्फाइनाइट का फॉर्मूला कब लगेगा, कौन सा है, ये है कि वो है, तो तुम्हें कैसे याद करना है कि v जो है इन्फाइनाइट पे तो कम होता है, तो ऑब्वियसली वो वाली क्या है, कम है, तो वो वाला लगेगा, और अगर v 25 है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं। तो एक सवाल है जो नीट 2016 में आया था, तो वो वाला मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 40 है, आईपीस की फोकल लेंथ 4 है, निकालना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही पहले लिख रखा है, हटा दो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन है 54, सेकेंड है 37.3, थर्ड है 46, और फोर्थ है 50। वीडियो पॉज करो, निकालो।
तो अब मैं बताता हूँ। तो देखो इसमें तुम लोगों ने मोस्टली क्या किया होगा कि फॉर्मूला लगाने की सोची होगी, जो मैं हमेशा मना करता हूँ वही तुमने फिर से किया होगा कि फॉर्मूला लगाया फो अपन एफ करके दिखा रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग फिमाग घुमाया वो हुआ नहीं। अब देखो क्या है कि इसमें क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिट पर नहीं है और ये फोकस के कंपेरेबल है, फोकल लेंथ के कंपेरेबल है, तो इधर क्या लगेगा, लेंथ फॉर्मूला लगेगा। इधर डायरेक्टली वो चीज़ नहीं लगेगी जो अपन ने पिछले अभी समझाते वक्त करी थी। तो इधर 1/v-1/v=1/f लगेगा, यही पूरा गेम है इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ समझ के किया करो फिजिक्स, भले मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया फिर भी तुम उसको समझोगी कैसे आया था फॉर्मूला, तो अब तुम इस टाइप के सवाल कर पाओगे। तो अब ये 1/v-1/u क्या है 200, ठीक है, f क्या है 40, बहुत बढ़िया। 1/v तुम निकालोगे तो ये 5 या 4 ये आ जाएगा 1/50, व्यू जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर हो गया वी, तो मतलब यहाँ से जो इसकी इमेज बन रही होगी वो कहीं ये यहाँ जा कर के यहाँ कहीं बना देगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद दो कंडीशन है, या तो इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो इन्फाइनट पर बने या 25 पर बने। नॉर्मल कंडीशंस में ये माना जाता है कि जो वी बनेगी वो इन्फाइनट पर बनेगी, तो अगर इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इन्फाइनट पर बनेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो 50+4 54 आंसर फर्स्ट आपका। अगर 54 आया तो बहुत बहुत बधाई आपको, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो ऐसे सॉल्व करना रहता है। अब हम एक और सवाल करते हैं, तो इसमें है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि वी इक्वल टू इन्फाइनाइट पर काम कर रहा है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस में, आई पीस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ द इमेज इज आई, तो द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज, मतलब कुछ ही अलग ही पूछा है, तो इसको करो सॉल्व फिर मैं बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जैसे इस टाइप से डायग्राम होगा, यहाँ पे एल कुछ है और ये इधर आई बन रहा है, इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा एफ ओ प्लस एफ ई, क्यों, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो इसमें हम वो लगाते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वी बाई इज इक्वल टू आई बाई एल, वी बाय माइनस एफ ओपन एफ इज इक्वल टू आई बाई एल। अब हम निकालते हैं वी, तो वी कैसे निकालेंगे, इसके लिए वो लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f, बहुत बढ़िया। अब आगे तेजी से बढ़ते हैं, तो u कितना भाई 1/fo+fe, बहुत सही 1/fe, बहुत बढ़िया। तो इधर अमन क्या करते हैं, अब हमें क्या समझ में आ गया 1/v क्या है, 1/fe-1/fo+fe, खुश। अब देखो इसमें उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं इसका, तो और माइनस माइनस है वहाँ पे होगा तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई नेगेटिव है, लेंथ नेगेटिव है। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो एल बाय आई इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई बाय वी। अब एल बाय आई, अब वी क्या हमें पता ही है, 1/v तो हमें पता ही है, तो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई 1/v की जगह मैं रख दूंगा, तो 1/fe-1/fo+fe, शायद तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो उधर जाएगा fo+fe/fe-1 इज इक्वल टू l/i। अब इसे डिवीजन मारेंगे तो क्या हो जाएगा, l बाई a क्या हो जाएगा fo/fe, ये तो चाहिए था fo/fe तो चाहिए था हमें, l बाई आई है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा l/i। तो अब तुमने क्या देखा कि मतलब दोनों क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगा ही नहीं, मतलब सोचो वो जो अपन पढ़ रहे थे वो सब चीज़ें लगी नहीं, तो इसलिए फिजिक्स में क्या है ना, दिमाग लगा के खेलना पड़ता है आपको, क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। आप सोचो कि आप 4 फॉर्मूले रट के फिजिक्स कर लोगे तो भैया ऐसा नहीं होता है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।
तू कहीं मत जा, ये तो उम्र भर थम जा, वही आ जाएगा किया जाए ना जाए। वही टाइम।